यहाँ पे क्लिक करिए बस कंप्यूटर पे यहाँ पे वीडियो बता रहा हूँ ओपन कीजिए माय कंप्यूटर को वही से करूँ ना पेंट टूल्स डेस्कटॉप पे नहीं है पेंट का होगा कॉपी के डोंट वरी न्यू कॉलर को ऊपर नहीं है क्या हो गया डबल क्लिक कंप्यूटर डबल क्लिक ऊपर ऊपर किसका ऊपर हाँ जल्दी जल्दी दबाओ या फिर एक बार लेफ्ट बटन दबा के राइट बटन फिर ओपन पे क्लिक करो प्रैक्टिस हो जाएगी ना इसको ओपन कीजिए कौन सा दिखा दिया तो वन दिखा दिया था ना टू भी हो गया तो शायद थ्री भी हो गया एट तक हो गया नाइन तक हो गया एट नाइन तक टेन चला टेन 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 वीडियो दस कल की कक्षा में आप सभी ने एडिट पेरेंटिंग रोको इसे स्पीकर के बारे में इस पार्ट में ठीक है क्वेश्चन आपको खुद करना है कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा अपना ऑब्जर्व करना है शायद इनको पता चल गया होगा जहाँ पे क्वेश्चन आए वीडियो को वहाँ पे रोक देना है क्वेश्चन सामने देखना क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ठीक है इनसे क्वेश्चंस करना आंसर सुनने के बाद फिर वीडियो को प्ले करना है आपको ये करना कुछ नहीं करना ठीक है ले कीजिए क्लास का रिवीजन करेंगे लेकिन उससे पहले पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं क्या आप बता सकते हैं कि पिछली क्लास में आपने जो सीखा था वह आपको याद है या नहीं डायरेक्टली किसी से भी पूछे यहाँ सारे एक सारे स्टूडेंट हैं मैं सीखना है मैं भी स्टूडेंट हूँ किसी से भी क्वेश्चन आप कर सकते हो सर आप बताइए आपने पिछली क्लास में क्या क्या सीखा अभी बता दिए अभी क्या सीखा था अभी हाँ जो अभी आज के राइटर में चला है जो ओपन ऑफिस का राइटर टूल है सॉफ्टवेयर है उसे ओपन करना हमने पिछली क्लास में अभी सीखा था उनके मेन्यू के बारे में फाइल व्यू इंसर्ट एडिट सर ने उनके बारे में और उनके सब मेन्यू के बारे में बताया था उनके सब मेन्यू में उनका क्या क्या फंक्शन है आपने पिछली क्लास में अंडू रीडू कट पेस्ट सेलेक्शन और फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में सीखा था सर आप बताइए जब हम अंडू का प्रयोग करेंगे तो उसकी शॉर्टकट की कौन सी होती है सर क्लास में कर चुके हैं कमांड दीजिए कंट्रोल ना कर देते क्वेरी से क्वेश्चन पूछ रहे अच्छा इजी का नंबर पूछ रहे पता क्या होता है व्हाट्स सिस्टम की सीखी सर आप बताइए कंट्रोल प्लस जेड और रीडू का कंट्रोल प्लस वाई ना उनके सामने आके पीछे आप यहाँ सीखने के लिए आए हो ना आप बताइए कि हमने अंडू रीडू का प्रयोग तो उन्होंने बता दिया
और कट का शॉर्टकट ही क्या होती है कंट्रोल कंट्रोल आपको याद रखना है ठीक है क्या आप बता सकते हैं अंडू क्यों करते हैं ऐसी पूछेंगे आप एग्जाम के फाइनल से रोग ना क्लास ले रहे हो ठीक है सीधे तो भी क्लास नहीं है मैंने सीधे तो भी क्लास नहीं है आप बताइए अंडू को क्यों क्यों करते हैं अंडू को उपयोग जिससे कोई यदि राइटिंग में कोई गलती हो जाए तो उसको मिटाने के लिए और इसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है अंडू से आप उस वर्ड अथवा उस काम को हटा सकते हैं जिसे आपने गलती से किया था अंडू की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस जेड होती है क्या बता सकते हैं कि रीडू से क्या होता है और इसकी शॉर्ट आप बताइए सर रीडू से क्या होता है रीडू से जो चीजें बताई गई है उसको आपसे लेने के लिए रीडू प्रोग्राम होता है इसकी शॉर्टकट की इसकी शॉर्टकट सर एग्जाम दोगे आप वो कॉपी में देख के कमांड क्या होती है रीडू से आप उस वर्ड को वापस ला सकते हैं जिसे आपने अंडू करके हटाया था क्योंकि रीडू अंडू के विपरीत काम करता है इसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस वाई होती है क्या बता सकते हैं किसी लाइन को एक से अधिक और उसी के जैसा लाने के लिए क्या करना होता है सर आप बताइए लाइन करने के लिए मतलब कॉपी करने के लिए एक से ज्यादा लाइन लाने के लिए क्या करना है लाइन लाने के लिए कॉपी कॉपी की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी जैसे मान लीजिए हमने कॉपी किया है ना कॉपी किया है उसमें हमने कंप्यूटर शिक्षा है उसमें हमने कॉपी किया है वो हमें दिख नहीं रही है तो थोड़ा किधर आ जाइए स्क्रीन के सामने आइए कैसे दिखेगी वो टेस्ट कर लूं लाइट के सामने पड़ेगा कैमरे मान लिया लाइट के सामने पड़ेगा एक से अधिक और उसी के जैसा लाइन लाने के लिए हम कॉपी पेस्ट का उपयोग करेंगे कट से क्या होता है और इस हमें किसी लाइन को कट करना है और उसे कहीं और पेस्ट करना है किसी बोर्ड को जाना है उसके लिए कट यूज करते हैं इसकी शॉर्टकट की इसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है कट से आप किसी लाइन या पैराग्राफ को कट कर सकते हैं मतलब वहां से हटाकर दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं इसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस एक्स होती है क्या बता सकते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस से क्या होता है आप बताइए फाइंड एंड रिप्लेस से क्या होता है फाइंड और रिप्लेस से मतलब ये काम के अंदर सकते हैं जो है आने से तो ढूंढेंगे नाम कहाँ है और रिप्लेस से उसको चेंज करना उसी जगह दूसरा नाम सर आप बताइए जी फाइंड और रिप्लेस से क्या
हम जब कोई फाइल को सर्च करना होता है तो हम कंट्रोल प्लस एफ की कमांड दे करके फाइनल जो केस का ऑप्शन आ जाता है उसका नाम टाइप करेंगे वो सर्च करेंगे। क्वेश्चन आपने क्या पूछा था? कुछ और आंसर अलग है वो नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन था कि फाइंड से क्या होता है रिप्लेस से क्या होता है वो क्वेश्चन था। हां तो फाइंड फाइंड से उसने वो फाइंड किया नहीं वो आप बहुत फाइंड आप बहुत आंसर देंगे कौन आंसर देगा कौन बताएगा फाइंड से भी कोई फाइल तैयार करते हैं तो हमें कोई वर्ड में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस वर्ड में यदि कोई हमको उस वर्ड के स्थान पे दूसरा वर्ड रखना हो या कोई वर्ड रखना एक शब्द रखना हो या पूरा शब्द चेंज करना हो तो जो वर्ड चेंज करना है वो फाइंड में जाएगा और जो शब्द सॉरी जो शब्द हमको हटाना वहाँ से वो तो फाइंड में जाएगा और जिसके स्थान पर कौन सा स्थान वो वर्ड रखना है वो रिप्लेस में जाएगा कंट्रोल प्लस और कौन बताएगा अभी भी मेरे को प्रॉपर आंसर नहीं लग रहा मिला है कौन बताएगा बताइए आप सर फाइंड एंड रिप्लेस के बताना है हाँ जी ये तो सर ये तो मतलब एडिट में होता है फाइंड एंड रिप्लेस ठीक है इसे मतलब कंट्रोल प्लस एफ से ही फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने कोई पैराग्राफ लिखा है उसमें कोई वर्ड हमें देखना है कितनी बार आ रहा है या चेक करना है तो फाइंड का यूज करके कंट्रोल प्लस एफ वहां पे टाइप करके उस वर्ड को तो फाइंड कर सकते हैं तो पता चल जाएगा सारे में वो शेडेड आ जाएगा हाईलाइट हुआ भी इतने वर्ड्स हैं इस पैराग्राफ में फाइंड से पता चलेगा रिप्लेस तो बाद में करना है। फाइंड से तो एक बार में पता चलेगा। ऑल फाइंड। फाइंड मतलब फाइंड आउट कर लो ना। नीचे लिखा था फाइंड आउट सारे करने। सही है ऐसी क्लास में।